पूर्व में मैंने आपको अरब साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण एवं वाणिज्य के बारे में आपको पढ़ाया समझाया। आज मैं आपको शिक्षा और संस्कृति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। अरब साम्राज्य के अंतर्गत साहित्य एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां उल्लेखनीय रही। अरब साम्राज्य के अंतर्गत अनेक जातियों का सम्मिश्रण था। उन जातियों की विभिन्न भाषाएं तथा विभिन्न धार्मिक धारणाएं थी। इसके परिणाम स्वरूप इस्लामी साम्राज्य में जिस सभ्यता वह संस्कृति का विकास हुआ, उसमें उन सबका मिश्रण होना स्वाभाविक था। इस्लामी सभ्यता में ईसाई, यहूदी, ईरानी तथा तुर्की आदि सभ्यताओं के तत्वों का सम्मिश्रण हुआ और खलीफाओं ने अपनी योग्यता, दूरदर्शिता से बहुरंगी सभ्यता को इस्लामी सभ्यता का जामा पहनाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से जिस अरब सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, उसका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा के बिना व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है और जो बौद्धिक विकास होता है, शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी समाज हो, किसी भी देश हो, उसमें शिक्षा का विशेष योगदान होता है और शिक्षा का महत्व होता है। अरब साम्राज्य के अंतर्गत खलीफाओं ने शिक्षा के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया। विभिन्न देशों में वे मस्जिदों का निर्माण कराते थे और प्रत्येक मस्जिद के साथ ही एक मदरसा स्थापित किया जाता था। काहिरा, दसिम व बगदाद आदि उस शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। काहिरा में एक विशाल विश्वविद्यालय स्थापित था, जिसमें 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय बगदाद बौद्धिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसके अतिरिक्त दमिश्क व बार्सिलोना भी उस समय शिक्षा के अच्छे केंद्र थे, जहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। शिक्षा के विकास के लिए राज प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अनुदान दिया करते थे। अरबों ने अनेक विदेशी ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद भी करवाया। यूनानी व संस्कृत के ग्रंथों का बड़ी संख्या में अनुवाद किया गया था। दूर दूर से ख्याति प्राप्त विद्वान खलीफाओं के दरबारों में आश्रय प्राप्त करते थे, उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। साहित्य। साहित्य क्या होता है? साहित्य को बोलते हैं लिटरेचर। अरब लोगों को शायरी का बहुत शौक था, अतः तारम में गद्य की अपेक्षा पद्य साहित्य अधिक मात्रा में रचा गया, जिसमें युद्ध प्रणय संबंधी गाथाओं का वर्णन किया गया। कसीदा अथवा संबोधन गीत इस्लाम के पूर्व काल की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा थी। कवियों द्वारा इस विधा का विकास अब्बासी काल में किया गया। फारसी मूल के कवि अब्बू नुवास ने इस्लाम द्वारा निषिद्ध आनंद के उद्देश्य से शराब एवं पुरुष प्रेम जैसे नवीन विषयों पर उच्च कोटि की कविताओं की रचना की। समानी, राजदरबारी, कवि रुद्द की
नवीन फारसी कविता के जनक थे। नवीन फारसी कविताओं में गजल, छोटे गीत और रुबाई अधिक महत्वपूर्ण थे। उमर खयाम 1048 ईस्वी से 1131 ईस्वी ने रुबाई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 11वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस दौरान गजनी फारसी साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस दौरान सुल्तान अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि के लिए कलाकारों और विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया करते थे। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के दरबार में लगभग 300 साहित्यकार और कवि आश्रय पाते थे, जिन्होंने अनेक दीवानों, काव्य संग्रह तथा पठन वियों महाकाव्यों की रचना करके फारसी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें फिरदौसी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिरदौसी द्वारा रचित सहनामा इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति है। मध्यकाल में नैतिक शिक्षा एवं मनोरंजन संबंधी अनेक पुस्तकों की भी रचना की गई। बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम की किताब अल फिरिस पुस्तक सूची से अनेक ऐसी पुस्तकों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें सर्वाधिक पुरानी किताब कलीला व दिमना है, जो पंचतंत्र के पहलवी संस्करण का अरबी अनुवाद है। इसमें जानवरों की कहानी का संग्रह है। इसके अतिरिक्त 1001 रातें इस काल का एक अन्य प्रसिद्ध संग्रह है। इन कहानियों की वाचिका शहरजाद है, जिसने इन कहानियों को अपने पति को एक के बाद दूसरी रात को सुनाया था। यह कहानी संग्रह मूल रूप से भारतीय फारसी भाषा में लिखा गया था और इसका जो अरबी अनुवाद बगदाद में किया गया था, अरबों ने कई इतिहास व जीवन चरित संबंधी ग्रंथों की रचना भी की। बालाधुरी का अनसब अल अशरफ, सामंतों की वंशावलियां तथा ताबरी का तारिक अल रसूद वल मुलुक, पैगंबरों और राजाओं का इतिहास, खिलाफत काल के दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ, परिणाम स्वरूप वंशों, नगरों व प्रदेशों से संबंधित पुस्तकों की रचना, ऐतिहासिक दृष्टि से अल बरूनी की सुप्रसिद्ध पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद, भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो एक मुस्लिम लेखक द्वारा इस्लामी दुनिया से बाहर देखने और समझने का सराहनीय प्रयास है। दर्शन एवं विज्ञान, इस्लाम के जो विद्वान थे और जो दार्शनिक थे, उन्होंने इस्लामी विद्वानों ने जो यूनानी दर्शन और विज्ञान से जो प्रभावित होकर एक दर्शन एवं विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की। उम्मयाद और अब्बासी खलीफाओं के शासन में अनेक यूनानी ग्रंथों का ईसाई विद्वानों ने अनुवाद कराया गया। इन ग्रंथों के अध्ययन से अरबों के बौद्धिक जो चिंतन थे उस पर गहरा प्रभाव डाला। खलीफा अल मामून के शासनकाल में शिक्षा एवं ज्ञान के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उसने अरबी विद्वानों को अरस्तु की रचनाओं, यूक्लिड की एलिमेंट तथा
तालीमी के ग्रंथ अल्मागेस के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। इस काल में खगोल शास्त्र, गणित तथा चिकित्सा विज्ञान से संबंधित अनेक भारतीय पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। इस नवीन विषयों के अध्ययन से आलोचनात्मक जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिला, जिसने इस्लामी बौद्ध जगत को प्रभावित किया। इस्लामी विद्वानों ने इब्न सिना का नाम उल्लेखनीय है, जो एक चिकित्सा विज्ञानी होने के साथ साथ महान दार्शनिक थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथ अल फिलिसिब चिकित्सा के सिद्धांत तत्कालीन चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण कृति थी। इस पुस्तक में तत्कालीन औषधशास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक में उसके द्वारा अस्पताल में किए गए अपने प्रयोगों और अनुभवों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में आहार विज्ञान के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक इतनी अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण थी कि यूरोप में इसका अध्ययन पाठ पुस्तक के रूप में किया जाता था। यूरोप में इस पुस्तक के लेखन को एविसेना के नाम से जाना जाता था। स्थापत्य कला अरब साम्राज्य के अंतर्गत स्थापत्य कला का बहुत अधिक विस्तार हुआ। 10वीं शताब्दी तक धार्मिक इमारतें इस्लामी जगत की पहचान बन गई थी। अरब साम्राज्य में स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक अनेक मस्जिद, मकबरों और इबादत गाहों का निर्माण बहुत अधिक बड़े पैमाने पर करवाया गया था। इन इमारतों में मेहराब, गुम्बद, मीनार और खुले आंगन हुआ करते थे, जो इस्लामी स्थापत्य कला की पहचान थे। इस्लाम की पहली शताब्दी में मस्जिद ने एक विशिष्ट स्थापत्य कला का रूप धारण कर लिया था। सभी स्थानों पर मस्जिद का प्रारूप एक सा होता था। प्रत्येक मस्जिद में एक खुला आंगन होता था, जिसमें एक जलाशय अथवा फुहारा होता था। यह आंगन एक बड़े कमरे की तरफ खुलता था। इस कमरे में नमाज अदा करने वालों की लंबी कतारों तथा नमाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, नमाज का जो नेतृत्व करता है उसको इमाम कहते हैं, पर्याप्त स्थान होता था। इस बड़े कमरे की दो विशेषताएं होती थी, दीवार में मेहराब और मंच। ये दोनों विशेषताएं मस्जिदों में आज भी देखने को मिलती है। उमय्याद खलीफाओं के शासनकाल में नखलिस्तानों में मरुस्थली महलों का निर्माण करवाया गया था। इन मरुस्थली महलों में फिलिस्तीन का खिरबत अल मफजर और जॉर्डन का कुसाई अमरा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन महलों का निर्माण रोमन एवं सामानी स्थापत्य कला शैली में किया गया था। अब्बासी खलीफाओं के शासनकाल में समरा में बागों एवं बहते हुए पानी के मध्य एक नया शाही शहर बनाया गया था, जिसकी जानकारी हारून अल रशीद से जुड़ी हुई कहानियों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बगदाद में अब्बासियों के द्वारा और काहिरा में फातिमियों के द्वारा भी विशाल महलों का निर्माण कराया गया था। यद्यपि महल अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इनकी जानकारी समकालीन साहित्यिक पुस्तकों से प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 7वीं शताब्दी में इस्लामी सभ्यता में धर्म, समुदाय और राजनीति में घनिष्ठ संबंध स्थापित था, लेकिन
अगली 5 शताब्दियों में धर्म, समुदाय, राजनीति एक दूसरे से अलग अलग हो गए। 1200 ईस्वी तक आते आते राज व सरकार पर इस्लाम का प्रभाव न्यूनतम हो गया। इस काल में राजतंत्र एवं गृह युद्ध जैसी चीजें राजनीति से जुड़ गई, जिनकी कोई धार्मिक वैधानिकता नहीं थी। इसके बावजूद भी अभी तक धर्म और समुदाय एक दूसरे से संबंध थे। शरिया का मुस्लिम समुदाय पर काफी प्रभाव था। यह तय मुस्लिम एकता का महत्वपूर्ण कारण भी था। याद भी इस्लाम और राजनीति एक दूसरे से अलग ही थे, लेकिन फिर भी अभी तक समुदाय की धार्मिक अस्मिता को परिभाषित करने का कार्य धार्मिक कुलीनों द्वारा किया जाता था। बच्चों, जो इतिहास है कक्षा 11वीं का, इस्लाम का जो उदय हुआ, उसका जो विस्तार हुआ, अरब में इस्लाम का जो उदय हुआ और उसके बारे में जो शहरीकरण हुआ, शिक्षा, साहित्य और इस्लाम के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद में इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो बच्चों, आप लोग बहुत मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।